मित्रों, अब हम फिर तैयार हैं पठामी संस्कृतम कार्यक्रम के अंतर्गत संस्कृत पढ़ने के लिए। आज हम एक बहुत सुंदर श्लोक से आरंभ करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यहाँ तुमने देखा कि विष्णु के लिए यह स्तोत्र है, ये तो समझ में आ गया, क्योंकि अंतिम पंक्ति में कहा गया है वंदे विष्णुं, मैं विष्णु की वंदना करती हूँ। लेकिन इस विष्णु के जो अलग अलग रूप अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया है, देखो कितना सुंदर है। कहते हैं शांताकारम, इनका आकार एकदम शांत है। भुजग शयनम, और ये शेषनाग पर लेटे हुए हैं, भुजग अर्थात शेषनाग। पद्मनाभम, इनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान थे। सुरेशम, जो देवताओं के ईश्वर हैं। विश्वाधारम, जो विश्व के आधार हैं। गगन सदृशम, जो आकाश की भांति नीले हैं, अपार हैं, गहन हैं, विस्तृत हैं और सर्वसमावेशक हैं। तो इस प्रकार आकाश की उपमा विष्णु को दी जाती है, गगन सदृशम। मेघवर्णम, ये श्याम बादल के रंग के हैं। शुभांगम, इनके सारे ही अंग अत्यंत शुभ चिन्हों से युक्त हैं, शुभांगम। लक्ष्मीकांतम, ये लक्ष्मी के पति हैं। कमल नयनम, इनकी आँखें कमल की भांति सुंदर हैं। योगी भीर ध्यान गम्यम, योगी इनका ध्यान करते हैं लेकिन फिर भी ये अगम्य रहते हैं उनके लिए। योगी बहुत ध्यान करते हैं ताकि इनका कुछ आर पार समझ में आए, लेकिन ये उनके लिए अगम्य रहते हैं, अर्थात केवल तपश्चर्या करने से ये अगम्य ही रहेंगे। उस तपश्चर्या के साथ भक्ति भी चाहिए, कुछ ज्ञान भी चाहिए इत्यादि। योगी भीर ध्यान गम्यम, योगी ध्यान करते रहें फिर भी ये उनके लिए अगम्य ही रहते हैं। वंदे विष्णुम, ऐसे विष्णु को मेरा नमस्कार है जो भव भयहरम, इस संसार के सभी भयों से मुक्ति दिलाते हैं, सभी भयों का हरण करते हैं। सर्वलोकैक नाथम, और सर्वलोकों के ये जो एक ही नाथ हैं, ऐसे विष्णु को मेरा नमस्कार है।